गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल. दिस इज़ मी अब्दुल्ला एंड यू आर वॉचिंग अब्दुल्ला जावेद व्लॉग्स. तो आज ईद का पहला दिन है. ईद मुबारक टू यू ऑल फ्रॉम मी एंड माई फैमिली. तो अभी सुबह के 6 बजे हैं, 8 बजे ईद की नमाज़ है. थोड़ी देर में नहाते हैं, ईद के कपड़े पहनते हैं, न्यू ड्रेस पहनते हैं, रेडी होते हैं, ईदी मिलते हैं. और आज तो ईदी भी मिलेगी ना यार. तो अभी आज के दिन के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जैसे कि हर कोई होता है. चले जी, थोड़ी देर में नहाते हैं, नहाने के बाद आपसे मिलते हैं. दोस्तों, इस वक्त मैं ईद की नमाज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ. बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि मैं कैसा लग रहा हूँ. तो अभी 10 से 15 मिनट हैं ईद की नमाज़ में, ईद की नमाज़ के लिए निकलते हैं. अभी बाइक वगैरह निकालते हैं, फिर आपसे मिलते हैं जी. सलाम वालेकुम. हाँ भाई यार, दोस्तों ये है मेरा छोटा दोस्त अनान, मेरा नेबर भी है. तो हाँ भाई अनान, बताओ, चल दो नमाज पढ़ने साथ. जाहिर है यार, आपके साथ जाएंगे. और आज तो बड़ा फिट होए पड़े हो हैं, बेहतरीन बने पड़े हो, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हो. चलो यार, चलते हैं जी ईद की नमाज पढ़ने. बाइक्स निकालते हैं, लेट्स गो. दोस्तों बाबा भी ईद के लिए रेडी हो चुके हैं. सलाम वालेकुम बाबा. हाँ जी अबू, ईद मुबारक. फिर चल रहे हैं नमाज पढ़ने अभी. बट ठीक है जी, बाबा बाल बना रहे हैं, ईद की नमाज का टाइम भी हो चुका है, बस थोड़ी देर में निकलते हैं जी. दोस्तों बड़ा भाई भी मेरा तैयार होके आ चुका है. हाँ भाई, किदा फिर? ईद मुबारक सबको भाई. हाँ जी, किदा फिर? ठीक हो भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह भाई. चल दो ईद की नमाज पढ़ने. बिल्कुल चलते हैं, सारे चलते हैं. क्लीन शेव करवा के सुनाया है. सही है, होना भी चाहिए. क्यों चिकने क्यों है? ना दाढ़ी शाड़ी थी तुम्हारी तो. समझा करो, होती है ना, बाहर देखना पड़ता है. चलो बाइक स्टार्ट हो गई है जी, अभी बैठते हैं और निकलते हैं जी मस्जिद के लिए. हाँ जी चले अनान जी. जी चलो चलो. मिनाज भाई चले? चलिए जी, चलिए चलिए. चलो जी, मस्जिद पहुँच के मिलते हैं आपसे. ईद की नमाज पढ़ ली है, वापस तकरीबन घर पहुंच भी गए हैं. मस्जिद में रश बहुत था, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया. ईद मिला जो अपने अपने वालिद से जो ईद मिला, और इससे मिनाज से और हनान से जैसे मैं गले मिला ईद पे, वो मैं नहीं कैप्चर कर पाया. उसकी वजह यही आपको गले नहीं मिला भाई, मैं पहले बता दूँ. बदबू आ रही है, परफ्यूम क्यों लगाया तूने? तेरे से गले मिलूंगा? व्लॉग में झूठ क्यों बोला भाई तू? इतना बता, व्लॉग तू मुझसे गले यार गलती हो जाती है यार. जैसे कि हर घर में ईद के त्यौहार पर मीठा बनता है, तो यहाँ शीर खुरमा है, यहाँ पे मेवा है, और यहाँ पे लोबिया की चाट है, और ये कस्टर्ड बना हुआ है भाईजान मिनाज साहब की फरमाइश पे. और बाबा कैसा बना हुआ है यार शीर खुरमा? अच्छा बना हुआ है बाबा. और मिनाज तो जी इसके साथ कर चुके हैं हाथ, अब हम भी ट्राई कर लेते हैं जी कस्टर्ड किस तरह का बना हुआ है जी. घर का कस्टर्ड तो ऑलवेज अमेजिंग होता है, बट स्टिल लेट्स ट्राई हाउ इट इज. मज़ेदार है, नॉर्मल सा मीठा है, काफ़ी मज़ेदार है. अभी मैक्रोनी भी आई है, इसको भी ट्राई करते हैं जी कैसी बनी. ठीक है दोस्तों, दोस्त आया मेरा छोटा नेबर, ईद मिलने मुझे. ईद मुबारक. हाँ जी दोस्तों, अभी टाइम आ गया ईद पर बाबा से ईदी लेने का. तो हाँ जी अबू जी, ईदी दें यार फिर. थैंक यू बाबा, अस्सलाम वालेकुम. चलो जी, बाबा से हमने ईदी ले ली, अब अपनी छोटी बहनों को भी ईदी दे देते हैं. ये लो इकरा, ये लो खेरा दी आपकी ईदी. ओके, बाकी एक मेरी बहन रह गई है छोटी, उसको भी ईदी देते हैं. चल के देख, आ चुकी है, उसको भी ईदी दे दें. उसको भी ईदी आ गई है जी. तो ईदी हमने ले भी ली है, ईदी हमने दे भी दी है, ऑल वर्क डन अल्हम्दुलिल्लाह. बस अभी एक दोस्त का इंतज़ार है, जो कि मैं बताया था आप लोगों से, डिस्कस किया था कि यार मेरा एक दोस्त आ रहा है अभी, तो उसका इंतज़ार है, उससे मिलते हैं. हियर ही इज. अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है सर? ठीक, आप सुनाए. सुनाओ यार, ईद वीद आ गई है, तुम्हारा यार नहीं आया. सर आ गया, ये बेटा मेरा यार, कैमरा पीछे करें, ये रहा मेरा यार. सो ही इज जरान, ही इज बेसिकली. मैं कट कर देना, कट कट कट. अच्छा भाईजान,
बेसिकली ये मेरा जिम पार्टनर भी है और इन दिनों काफी क्लोज भी है मेरे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर हियर इज माय सेकंड बेस्ट फ्रेंड या ही इज माय फर्स्ट वन सो यू आर यार आ गई होगी अच्छा बात सुनो भाई ईद तो मिलो दिखाएगा तो लाइक मिलेंगे ना समझा करो ईद मुबारक ये देखें गाइस मैं इसको ईद ही दे रहा हूं अच्छा अच्छा वापस नहीं लेगा अच्छा कैमरा वापस ले लाना क्या अब ये देख लें जी दुनिया का आठवां अजूबे है ये अब आपके सामने है इसके काम यार जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईद की कुछ डेलिकेसीज होती हैं कुछ डिशेज होती हैं अब ये पिछले शॉट में आपने देखा होगा कि मैंने खाई है पर यार दोस्त आया एक बार फिर खा लेते हैं क्या कहते हो सेकंड शिफ्ट यार वही जो आपको दिखाया था मैकरोनी और शीर खुरमा पड़ा है खान साहब शुरू करें यार सर शुरू करें और बताएं फिर कैसा टेस्ट है शुरू करो टेस्ट करना है टेस्ट टेस्ट करो जी फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई फूड ब्लॉगिंग भी है ईच एंड एवरीथिंग जिंदाबाद बशीर पुत्र मजा ही आ गया यो ब्रो ये तो मेरे दिल की बात छीन ली मेरी जानू ने चलो यार कुछ खा पी लें पोड़ लें यार आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि जरान जो है मेरे से टेक्निकली कुछ महीने बड़ा है ऐसे तो यार जानू वेयर इज माय ईदी सर आपके लिए हम ईदी लेकर आए हैं यार बस अल्लाह ऐसे दोस्त दे हर किसी को यार ईदी है यार खुल के खर्च करना ठीक है हाँ। चीज भी खाना रात को खाना भी हाँ। खाना बोतलें भी पीना अबे रुक जा सबर कर और चावल मैं हज पे जाने का सोच रहा था ये तेरे 10 रुपए लेके साथ में वापसी पहले यूरोप ट्रिप मार ले हां सारे गुनाह माफ करने चला जा यार एक तो पोर्शे भी आ जाएगी इसमें तो मेरी फेवरेट जो है ये देखो कायदे आजम बड़ा चलता है दो तीन सुपरा भी ले लेना बट ठीक है ये भाई ईदी मिल गई हमें ठीक है बस फिर आपसे मिलते हैं ओके 15 प्रो मैक्स भी आ रहा है रास्ते में 15 प्रो मैक्स भी आ रहा है केला भी आ रहा है यार ब्लॉगर भाई हैं सही है यार जरान भाई किधर ले आए हो यार मुझे धनों पे हम आपको एक स्टार से मिलवाने लाए हैं कि फरारी देखें फरारी ब्रो व्हाट अ नाइस पोर्शे यू हैव और रुबास भाई तकल्लुफ में पड़ गए हैं और जरान भी हमारे साथ बैठा है ये तो मुफ्त है चलो यार अब आ ही गया है तो इसके साथ इंसाफ करते हैं और इसके खाने के बाद आपसे मिलते हैं ईद का दिन हमारा गुजारा और तकरीबन इस वक्त दिन के 11 से 12 बज रहे हैं 12 साढ़े 12 का टाइम है तो ये खा लें फिर आपसे मिलते हैं गाइस अभी सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं और जरान रुबास के घर से निकल आए हैं फाइनली तो अब हम अपने घर जा रहे हैं जरान पहले मुझे मेरे घर ड्रॉप करेगा एंड देन उसके बाद जरान खुद अपने घर जाएगा बाकी यार नींद बहुत आ रही है यार कल रात के जागे हैं चांद रात क्या आपने ब्लॉग देखा बाहर घूमते रह गए यार बाकी घर पहुंच के आपसे मिलते हैं तो मैं इस वक्त घर आ चुका हूँ और चेंज वगैरह कर लिए जैसा कि आप देख रहे हैं ईद का ड्रेस मैंने उतार दिया है यार नींद बहुत आ रही है कल रात के जागे हुए हैं तो चल के थोड़ा आराम करते हैं और इस व्लॉग को ईद डे वन के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरी वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि मेरी हौसला अफजाई होगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़